आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं राम नगारची और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिलहाल नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। प्रयास गौ सेवा संस्थान चांपा द्वारा एक दिवसीय भूख हड़ताल किया गया। दरअसल चांपा नगर में गौ सुरक्षा जैसी ज्वलंत समस्याओं को लेकर आज दिनांक 25 सितंबर 2019 को एक दिवसीय भूख हड़ताल एवं यज्ञ रूपी आंदोलन किया गया। प्रयास गौ सेवा द्वारा विगत 4 वर्षों से निरंतर हजारों गायों और बीमार गायों की सेवा उपचार बिना गौशाला के दुर्घटनाग्रस्त गायों को निस्वार्थ एवं निःशुल्क सेवा प्रयास सेवा संस्था द्वारा किया जा रहा था, पर नगरीय प्रशासन व जिला प्रशासन द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाने पर आंदोलन किया गया, जिसके समर्थन में पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा, कृष्ण देवांगन, परमेश्वर सोनकार और नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज का यह आंदोलन प्रयास और संस्थान के एवं चांपा के सभी गौ सेवकों के द्वारा नगर प्रशासन एवं जिला प्रशासन की अनदेखी, गौ सेवा, गौ रक्षा, गौ संरक्षण का अनदेखा के विरुद्ध पूरा सेवा संस्थान के सभी सदस्यों ने भूख हड़ताल के रूप में यह आंदोलन रखा है। हमारी मांग सरकार से और नगर प्रशासन जिला प्रशासन से यही है कि सड़क में जितने भी गाय मवेशी हैं उनके व्यवस्थित एक जगह बनाया जाए जहां व्यवस्थित चारा एवं पशु चिकित्सकों का मुख्य रूप से योगदान हो। प्रयास गौ सेवा संस्था के भूख हड़ताल करने वाले सदस्य पवन यादव, तिलेश केवट, योगेश देवांगन, गणेश महंत, रुपेश देवांगन, अंकित देवांगन, विक्रांत बघेल, पुरुषोत्तम देवांगन, सुधीर सोनी, निशु दुबे, डंकेश्वर देवांगन, मनीष देवांगन, स्पर्श देवांगन, अमन देवांगन, यश देवांगन, अमन देवांगन, कोमल देवांगन, रूप नारायण साहू, हर्ष देवांगन, दीपेश पाठक एवं ऋषभ कसेर उपस्थित रहे। नगर पालिका CMO डॉक्टर शशि शुक्ला सूद लेने पहुँचे। RNN News के लिए सरोज कुमार सार्थी की रिपोर्ट।